हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे CWET 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और भी बहुत सारे डिटेल्स के रिगार्डिंग हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं CWET 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग में बात करते हैं। इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है, इनका कोई भी ऑफलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अभी हम बात करते हैं CWET 2024 का जो रजिस्ट्रेशन है वो लास्ट वीक ऑफ सितंबर में इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं उनके एप्लीकेशन फॉर्म को, अभी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। सबसे पहले आपको उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको प्रोसेस करना है इन द फिलअप द फॉर्म। उसके बाद इनका जो फिलअप जो स्टार्ट हो जाएगा, उनका जो लास्ट डेट है वो है सेकंड वीक ऑफ नवंबर 2023, इनका विदाउट लेट फीस। अगर आप नॉर्मली जो कैंडिडेट है वो अवेल नहीं होते रजिस्ट्रेशन के लिए, डेडलाइन के पहले उसका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप लेट में फी पेमेंट करते हो तो आपको लेट फीस पेमेंट करना पड़ेगा, उनको फीस लगेगा लेट फीस। और इनके अंदर आप बात करें जो कैंडिडेट, अगर आपको सारी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है जो वैलिड और वर्किंग होनी चाहिए। अगर आप कोई भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालते हो उसके लिए ओटीपी पे वेरिफिकेशन आता है, इसके लिए आपको सारी चीजें ध्यान से फिलअप करनी है। पर फिर भी अगर आपको कोई भी मिस्टेक्स हो जाती है तो आपको करेक्शन फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, 1 वीक का आपको मिल जाएगा, वो आपको अपडेट कर देंगे नोटिफिकेशन के थ्रू। एक बार आपको नॉर्मली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड जनरेशन ऑफ लॉगिन डिटेल डालने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना रहेगा, पेमेंट करना रहेगा एप्लीकेशन फीस का, उसके बाद आपको फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अभी हम इनके एप्लीकेशन फीस के रिगार्डिंग बात करें, इनका जो एप्लीकेशन फीस है ऑनलाइन मोड में होता है, वो भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। वोमेन कैंडिडेट का जो फीस है वो 1800 प्लस जीएसटी है, अदर कैंडिडेट का 3600 प्लस जीएसटी रुपए है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1800 रुपए प्लस जीएसटी है। अभी हम बात करते हैं CWET 2024 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात कर लें। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, उनका जो क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट होना चाहिए डिग्री होल्डर होना चाहिए, डिप्लोमा नहीं तो पीजी डिग्री, मिनिमम 3 साल का होना चाहिए आफ्टर 12th लेवल के बाद, और उनका फाइनल एग्जाम वो जो होना चाहिए जुलाई 2024 को हो जाना चाहिए, नहीं तो वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, वो नेक्स्ट ईयर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप पास होते हो जीडी आर्ट डिप्लोमा प्रोग्राम 10+5 लेवल बाय जुलाई 2023 को वो इजीली एलिजिबल हो सकते हैं फॉर दिस एग्जाम। इनके लिए अभी हम अटेम्प्ट की बात करें, आप कितनी बार के एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इनके लिए कोई अटेम्प्ट नहीं है। एज लिमिट की बात करें, इनका भी कोई एज लिमिट क्राइटेरिया नहीं है CWET 2024 के एग्जाम्स के लिए। अभी हम बात करते हैं CWET 2024 के एप्लीकेशन डेट के रिगार्डिंग बात करें, इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा 4th वीक ऑफ सितंबर 2023, लास्ट डेट है 2nd वीक ऑफ नवंबर 2023। अगर आप लेट फीस करते हो 3rd वीक ऑफ नवंबर में तो आपको 500 रुपीज फीस देना पड़ेगा। एडमिट कार्ड आएगा 2nd वीक ऑफ जनवरी 2024, CWET 2024 के एग्जाम डेट है वो 4th वीक ऑफ जनवरी 2024। आप CWET 2024 के लिए आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसके लिए आपको सिंपली उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहां पे एक लिंक दिखेगी होम पेज, उस पर आपको क्लिक करके रजिस्टर पे जाना है। रजिस्टर पे जाने के बाद आपको उसके अंदर सारे प्रोसेस फिलअप करनी पड़ेगी, जैसे नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, उसके बाद आपको सबमिट करने के बाद आपको वेरिफिकेशन मेल आईडी पे आपको वेरीफाइड करना आएगा नोटिफिकेशन, तो उस पर जाने के बाद आपको सिंपली लॉगिन करना रहेगा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के, उसके बाद आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। वहां पे आपको पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, फोटोग्राफ आपको अपलोड करना रहेगा, सिग्नेचर आपको अपलोड करना रहेगा, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने रहेगी। उसके बाद आपको नॉर्मली एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना रहेगा थ्रू द ऑनलाइन मोड। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस सबमिट करने के बाद आपको प्रीव्यू कर लेना है पूरे फॉर्म को, उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर लेना है, उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अभी हम बात करते हैं इसके रिगार्डिंग, हमको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।